आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। मैं हूं संतोष प्रसाद तिवारी। आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए एसीसी ने बाहर से बुलाए मजदूर। एसीसी प्रबंधन की तानाशाही एवं प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी से क्षेत्रीय बेरोजगारों में आक्रोश। विजयराघवगढ़ तहसील विजयराघवगढ़ में विगत 3 वर्षों से क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जन जागरूकता में सतत कार्यरत शौर्य युवा एकता शक्ति संगठन अमवारी के द्वारा गत दिवस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत ग्राम अमवारी से समिति अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद पटेल ने संबोधित करके किया। यह यात्रा ग्राम अमवारी से खरखरी महगांव होते हुए अमेठा तक निकाली गई। रैली को समिति सचिव आनंद कुमार तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय शिक्षित बेरोजगारों को एसीसी द्वारा प्रारंभ किए जा रहे अमेठा प्लांट में रोजगार देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के अंदर एसीसी प्रबंधन को हमारे द्वारा जो शिक्षित बेरोजगारों की सूची दी गई है उस पर निर्णय लेना है, नहीं तो हम एसीसी अमेठा गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हमें एसीसी प्रबंधन एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा करने जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। हमें यदि भरोसा है तो मात्र क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी पर। अब देखना यह है कि क्षेत्रीय बेरोजगारों के मामले में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा कितनी लागू हो पाती है या मात्र महज घोषणा तक ही सीमित रहती है। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी के साथ कैमरामैन शिवम सेन, आरपीकेपी इंडिया न्यूज कैमूर। आज तिरंगा यात्रा हमारे इस खरखरी गांव से होते हुए दूसरी महगांव अमेठा ननवारा अमवारी होते हुए जाएगी और इस सौर युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष भाई हमारे अयोध्या पटेल जो कि सौर एकता युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं, अब हम चाहेंगे हम युवा साथियों को इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य बताते हुए और झंडी दिखाए ताकि हमारी ये रैली प्रस्थान करे। धन्यवाद तिवारी जी। आज यह है तिरंगा यात्रा जो है हमारे ग्राम खरखरी देवसरी महगांव अमेठा से होते हुए ये एक शांति का परिचय देने के लिए ये हमारी यात्रा निकली है और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ शांति है, अशांति नहीं, जो कि आज हमारे क्षेत्र में भाई लोग सभी बेरोजगार हैं। कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के और सौर ऊर्जा एकता शक्ति संगठन की तरफ से जो ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है शांति बनाना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ये जो आपने बताया जी, एकता अन्याय के खिलाफ लड़ाई जी, भ्रष्टाचार के प्रति जन जागरूकता जी, अभी आपके इस संगठन में कितने युवा साथी हैं? हमारे इस संगठन में लगभग 200 युवा एकत्रित हैं। ये आपकी रैली कहां से कहां होते हुए जाएगी? हमारी ये रैली खरखरी देवसरी महगांव अमेठा होते हुए जाएगी। रोजगार के संबंध में भी आप युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, हम सब रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पर हमारे बगल में कंपनियाँ हैं वो शोषण कर रही हैं यहाँ के लोगों का, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं सभी युवा लोग। अभी अमेठा में लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय विधायक जी ने एक घोषणा की थी मंच के माध्यम से कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा, बाहरी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा। आप विधायक जी के इस आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं? जी, हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं यदि हमारी स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है तो। एसीसी पे आपको कितना भरोसा है? एसीसी पर हमको भरोसा अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी 2 साल से हमारा ये संगठन काम कर रहा है, बस आज नहीं कल नहीं परसों इस तरह से हम लोगों को लटका रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के युवा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और इस तिरंगा रैली का मूल उद्देश्य जो है युवाओं की एकता, देश हित के लिए भ्रष्टाचार
की भ्रष्टाचार को उजागर करना और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे उपस्थित हैं, वो इस रैली के बारे में बताएंगे। जी, मैं आनंद तिवारी युवा शक्ति संगठन का सचिव हूँ और ये हमारा संगठन लगभग 3 वर्षों से रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य मुद्दों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है और इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे आसपास क्षेत्र में, गांव में हो रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या, जल समस्या, सभी मुद्दों को लेकर लड़ाई करता आ रहा है। तो युवाओं को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे आसपास क्षेत्र के जितने भी युवा हैं इस शक्ति संगठन से जुड़ें और हमारे साथ जुड़ के मानव सेवा के लिए सदैव समर्पित रहें। मानव सेवा का मतलब जो भी हमारे आसपास क्षेत्र बुजुर्ग हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, छोटी सी छोटी समस्याएं, हमारा ये उन तक पहुँचे और उन तक हमारा युवा शक्ति संगठन उन तक मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। तो मानव सेवा के लिए ये संगठन सदैव समर्पित है। मानव सेवा के भाव से जो इस संगठन को याद करेगा, संगठन उस तक पहुंच के उसकी समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए प्रयास करेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संगठन का मूल उद्देश्य जो है मानव सेवा है और मानव सेवा के साथ साथ जो है क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी ये आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। अब देखना यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो अपने उद्देश्यों के लिए कितना इनका सहयोग कर पाते हैं। RPKP इंडिया न्यूज़ से संतोष तिवारी के साथ शिवम सेन। युवा, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्य क्षेत्र के कि कोई भी हिंसात्मक घटना ना करे, कोई भी उपद्रव करके, कोई भी अशांति फैला के सफलता का समाधान नहीं, कोई भी समाधान नहीं है अशांति फैला के। हम शांति से उनके पास जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई भी हिंसक घटना युवा शक्ति संगठन के द्वारा नहीं होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। इस बीच में अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब मैं युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष अयोध्या पटेल जी से चाहूंगा, हम युवाओं को बेरोजगार, ये बेरोजगारी से जो झेल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो प्लांट आया है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में ये प्लांट आया है, इसमें हमको रोजगार के लिए क्या अवसर देते हैं और क्या संदेश है, हम सौरेख युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष भाई अयोध्या पटेल से जानना चाहेंगे। पूछो सवाल पूछो। बारे में हमारे स्थानीय सभी भाई युवा जानते हैं, आज विगत 3 वर्षों से हमें कंपनी के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा था, रोजगार देंगे, नया प्लांट आने दो, प्रोजेक्ट आ रहा है, अब आ भी गया। उसके बाद भी हम लोगों की अभी आज तक कोई यहां पर रोजगार की बात या सुनवाई नहीं हुई है, चूँकि कंपनी आए दिन यही बोलते आ रही है कि हम रोजगार देंगे, परंतु रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, बस झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। यदि इसी तरह से कंपनी का रवैया रहा तो ये युवा शक्ति संगठन बहुत कुछ आगे करने के लिए तत्पर हो जाएगा। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ में यह कार्यक्रम यहीं पर रोक करके और रैली आगे प्रस्थान करेगी, क्योंकि अभी हमारा खरखर। अगर हम लोगों के साथ अन्याय हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जेल भरो आंदोलन में भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो केवल हम शांति से ही करेंगे, न तोड़ करेंगे, न ही फोड़ करेंगे। तो एक बार फिर मैं शासन से, प्रशासन से, माननीय संजय सदन पाठक जी से, SDM से, यहाँ से समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से बताना चाहूंगा,
ये हमारा सौर एकता युवा शक्ति संगठन आज से 3 सालों से रोजगार के लिए भटक रहा है। आज तक हमारे युवा शक्ति संगठन के किसी भी बेरोजगार युवाओं को या आसपास के क्षेत्र के युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया। सुनने में आया है और सुनने में भी आया है कि यहाँ के बाहर से युवा बुला के काम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, काम करवाए, हमारे जैसे वो भी मजदूर है, हमको हम उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कंपनी को कि जितने भी युवा आप बाहर के बुलाए काम करवाए अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ के रखो, हमारे लिए भी तो कुछ बचाओ, हमारे स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए भी कुछ रोजगार दो, तो इससे हमारी घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, हम भी मजबूत होंगे, हमारे परिवार भी मजबूत होगा, तो इसमें आप हमारा सहयोग करें, सहयोग नहीं हमें रोजगार दें। बार बार हमारा एपीसीजी से भी निवेदन है कि बार बार हम निवेदन ही करते आ रहे हैं, अभी भी आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, हमने पहले लिस्ट आपकी भेज दी है युवा शक्ति संगठन की, उसमें 200 से 250 लड़कों के नाम है, उसमें आप तुरंत कार्रवाई करें और हमें भी अवगत कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे, और नहीं तो फिर हम इंतजार यहाँ के युवाओं से नहीं होगा। ये आज हम बताना चाहते हैं, जोरदार जयकारे के साथ भी बताना चाहते हैं, और आज ये हमारा तिरंगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने सोचा चलो कुछ नया करके दिखाएं, हमने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का शांति सद्भाव भाईचारे की भावना को अवगत कराना है, ताकि हमारे क्षेत्र में भाईचारा बने रहे। कोई भी दलाल, आज अब तो ये भी देखा जाता है कि कोई दलाल आके 10 लड़के बुलाता है, आंदोलन करवाता है, लड़ाई करवाता है, दंगे करवाता है और लाभ ले लेता है, ऐसे दलालों के साथ भी हमको साथ नहीं करना है, हमको उन दलालों के साथ में भी नहीं जाना है। हमारे ये संगठन है, हम सबके लिए लड़ेंगे और हम अपने प्रतिभा को स्वयं जानेंगे, हमारी प्रतिभा को दिखाने के लिए हम स्वयं अधिकारियों से मिलेंगे और रोजगार के अवसर उनसे हम अवगत कराएंगे। तो इस विषय में भी हम बताना चाहेंगे कि अमहटा, महगांव, अन्य क्षेत्र के कि कोई भी हिंसात्मक घटना ना करें, कोई भी उपद्रव करके, कोई भी अशांति फैला के सफलता का समाधान नहीं, कोई भी समाधान नहीं है अशांति फैला के। हम शांति से उनके पास जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई भी हिंसक घटना युवा शक्ति संगठन के द्वारा नहीं होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। इस बीच में अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब मैं सौर एकता युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष अयोध्या पटेल जी से चाहूंगा, हम युवाओं को बेरोजगार, ये बेरोजगारी से जो झेल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो प्लांट आया है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में ये प्लांट आया है, इसमें हमको रोजगार के लिए क्या अवसर देते हैं और क्या संदेश है, हम सौर एकता युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष भाई अयोध्या पटेल से जानना चाहेंगे। कुछ सवाल बारे में हमारे स्थानीय सभी भाई युवा जानते हैं, आज विगत 3 वर्षों से हमें कंपनी के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा था, रोजगार देंगे, नया प्लांट आने दो, प्रोजेक्ट आ रहा है, अब आ भी गया, उसके बाद भी हम लोगों की अभी आज तक कोई यहाँ पर रोजगार की बात या सुनवाई नहीं हुई है, चूँकि कंपनी आए दिन यही बोलते आ रही है कि हम रोजगार देंगे, परंतु रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, बस झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। यदि इसी तरह से कंपनी का रवैया रहा तो ये युवा शक्ति संगठन बहुत कुछ आगे करने के लिए तत्पर हो जाएगा। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ में यह कार्यक्रम यहीं पर रोक करके और रैली आगे प्रस्थान करेगी, चूंकि अभी हमारा खरखरी